अस्सलामु अलैकुम, माय सेल्फ सबीहा बासा, वेलकम टू एस डी एम एस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 7, टाइम गोज ऑन। आज हम सीखेंगे वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। यहाँ पर हमें 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है और उसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसके हमें आंसर्स लिखने हुए। देखें, यहाँ पर इस वाले पेज पर हमें जनवरी से लेकर जून तक के मंथ बताए हैं और इस वाले पेज पर हमें जुलाई टू दिसंबर मंथ दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इसके आंसर हमें लिखने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो, हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। हमें पूछा है एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। चले हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। तो यहाँ पर फर्स्ट में आंसर हम लिखेंगे 12, TWELVE। आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर। सेवेंथ वाला मंथ कौन सा है, तो देखें यहाँ पर जनवरी इज फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। जुलाई इज़ अ सेवेंथ मंथ, तो हमारा सेकेंड वाला आंसर आएगा जुलाई। यहाँ पर हम लिखेंगे JULY, जुलाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर के पहले कौन सा मंथ आता है, तो देखें यहाँ पर हमको अक्टूबर दिया है, अक्टूबर के पहले कौन सा है मंथ, सितंबर दिया हुआ है, तो हमारा थर्ड वाला आंसर हम लिखेंगे सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल। अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, तो चलिए देखें, तो अप्रैल के बाद यहाँ पर हमको अप्रैल दिया है और ये अप्रैल के बाद कौन सा मंथ है, मे, तो हमारा फोर्थ वाले आंसर में हम लिखेंगे मे, MAY, मे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज। उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिन मंथ्स में हमें 30 डेज दिए होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जनवरी, तो जनवरी में तो 31 डेज है, फरवरी वहाँ पर तो 28 डेज है, मार्च इज़ ऑल्सो हैविंग 31 डेज, सो अप्रैल, बराबर अप्रैल आएगा, मई में भी 31 डे है, जून में 30 डेज दिए हैं, यानी अप्रैल हो गया, जून हो गया, जुलाई में भी 31 डेज है, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर में 31 डेज है, नवंबर में 30 डेज है और दिसंबर में 31 डेज है, तो नवंबर, तो हम आंसर में लिखेंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। आप भी अपनी बुक में ऐसे आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज। जिन मंथ्स में 31 डेज होते हैं उनके नाम हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर होगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर मंथ्स। जो वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उन 12 मंथ्स में कौन सा मंथ ऐसा है जो सारे मंथ से अलग पड़ता है, तो देखिए हर एक मंथ में कहाँ तो 31 डे होते हैं, कहाँ तो 30 डे होते हैं, लेकिन जस्ट फरवरी ऐसा मंथ है कि जिसमें 28 डेज होते हैं और अगर लीप ईयर होता है तो उसमें 29 डेज होते हैं, पर 30 डे या 31 डेज फरवरी में कभी नहीं आते। इसीलिए हमारा सेवेंथ वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक।
वीक में कितने दिन होते हैं, तो वीक में काउंट करें हम तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो वीक में कितने दिन हो गए, 7 डे हो गए। तो 8 वाले आंसर में हम लिखेंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3। देखिए अभी हम क्लास 3 में हैं और हमारे स्कूल ओपन होते हैं जून से, तो इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3, तो हम लिखेंगे वहाँ पर जून। तो बेटा आप लोग भी यहाँ पर जून लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बर्थडे फॉल्स इन विच मंथ। आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, अभी ये तो आपको ही पता होगा। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपना बर्थ मंथ लिखना है बेटा, डेट नहीं मंथ लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है वो वाला मंथ आप यहाँ 10th वाले आंसर में लिखोगे। देखिए ये वाला कॉलम मैंने खाली रखा है, यहाँ पर आपको अपना बर्थ मंथ लिखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेट्स ऑफ द फेस्टिवल्स इन द टेबल गिवन बिलो। हमको 2019 का जो कैलेंडर दिया है उस कैलेंडर में जो फेस्टिवल्स आते हैं वो फेस्टिवल्स के डेट कौन से हैं वो लिखना है, जो आप लिखोगे बेटा। जैसे होली है तो होली किस डेट को आई थी वो डेट यहाँ पर लिखना है। रक्षाबंधन किस डेट को था वो लिखना है। रामनवमी, बकरी ईद, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी एंड दशहरा, जिस डेट को आते हैं वो वाले डेट्स आप लोग इस वाले कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन कैलेंडर पुट सर्कल अराउंड द डेट्स गिवन एंड राइट द डे एंड स्पेशल डे फॉलिंग ऑन दैट डे। नाउ हमें डेट्स दिए हुए हैं और डे हमें लिखना है और उस डेट को और उस डे को जो स्पेशल डे है वो हमें बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्पेशल डे फेस्टिवल इन फ्रंट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर हमें डेट दी हुई थी और डेज हमें लिखने थे, चाहे वो स्पेशल डे हो या फेस्टिवल हो वो हमें बताना था। नाउ फर्स्ट जो दिया था वो 2nd October था, तो 2nd October गांधी जयंती होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप भी अपनी वर्कबुक में लिखिएगा। नेक्स्ट डेट हमको दी थी 5th September। 5th September इज़ अ टीचर्स डे। नेक्स्ट 14 January। 14 January इज़ अ मकर संक्रांति, उत्तरायण जो होती है। 25th December क्रिसमस डे। 26 January रिपब्लिक डे। 5th June एनवायरमेंट डे। 15 August इंडिपेंडेंस डे। 11 July वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फेस्टिवल्स स्पेशल डेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 इन ऑर्डर जनवरी टू दिसंबर। अभी आप लोग 11 और 12 वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 13 वाला मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया है, तो इसके बेसिस पर आप यहाँ 14 वाले क्वेश्चन में सारे डेज या फेस्टिवल्स है उसे अरेंज करोगे, मींस जनवरी से दिसंबर को उसे लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ईयर्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ ईयर्स दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2, विच ईयर इज द प्रेजेंट ईयर लाइक 2020, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, विच ईयर वॉज इन अ 3 years बैक, ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, विच ईयर वॉज 3 years बैक, विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years, ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये आप अपनी
वर्कबुक में एज अ होमवर्क कंप्लीट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह।